हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं श्री भृगु हर्बल्स। मेरा नाम है निखिल भार्गव। दोस्तों, आज का ब्लॉग फोकस है सिद्ध प्राणेश्वर रस के ऊपर। सिद्ध प्राणेश्वर रस दोस्तों एक कॉम्पोजिशन है, एक एंशियंट कॉम्पोजिशन है। यानी आयुर्वेदिक में बहुत सारे कॉम्पोजिशन ऐसे हैं जो आजकल बनाना बंद हो गए हैं और जिनके इफ़ेक्ट्स इतने पावरफुल होते हैं कि आपको मिरेकल इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। यानी उसके लेते से ही आपको इतना जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में, जो आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। तो कुछ पद्धति ऐसी होती हैं जो विलुप्त हो जाती हैं, और उनका कम होने का या ना उनका प्रोसेस ना होने का कारण ये होता है कि जो भी उनमें इंग्रेडिएंट्स या जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आज के टाइम में अवेलेबल नहीं हो पाता है। क्योंकि उसका फर्मेंटेशन, उसका प्रोसेस अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो चीज़, वो प्रोडक्ट का आउटकम आपको नहीं मिल पाएगा जिस जैसा आप चाह रहे हैं। उस चीज़ को अपनी बॉडी में इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं उस चीज़ का, वैसा आपका आउटकम अगर नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को प्रोडक्ट बनाने का। बट अभी भी क्लासिकल मेडिसिन ऐसी हैं जो इजी अवेलेबल होती हैं, उनमें से एक है सिद्ध प्राणेश्वर रस। सिद्ध प्राणेश्वर रस दोस्तों बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है आपके सभी रोगों में, बट पर्टिकुलर कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आपकी बॉडी में पलते रहते हैं पर आपको पता नहीं पड़ता है कि वो कब से आपकी बॉडी में है, और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है कि आप उसको रिकवर नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ बढ़ जाती है। मतलब वो आपके शरीर में जटिल से जटिल रोग हो जाता है जो आपको काफ़ी हद तक परेशान कर देता है और आप उसका क्योर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ मेडिसिन्स ऐसी बनाई हैं आयुर्वेदिक में, क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो जटिल से जटिल रोगों को भी उखाड़ फेंक सकते हैं, उनका नाश कर सकते हैं और आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। तो उनमें से एक है सिद्ध प्राणेश्वर रस। सिद्ध प्राणेश्वर रस को कैसे लेना है, कब लेना है और किसको लेना है, ये सभी बातें हम इस ब्लॉग में करेंगे। और इसमें क्या क्या डलता है, क्या कॉम्पोजिशन है और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उस बारे को भी बताऊंगा आपको क्या उसमें क्या क्या डलता है। वैसे आयुर्वेदिक का कॉम्पोजिशन अपार है, यानी एंडलेस है। उसका कॉम्पोजिशन बहुत हैं दोस्तों, और कुछ कॉम्पोजिशन ऐसे हैं जो आप घर पे भी बना सकते हो, वो भी मैं अपने ब्लॉग्स में ऐड करूँगा आगे चल के। मैं आपको होम रेमेडीज भी बताऊँगा आगे चल के, जिससे आपको हेल्प मिलेगा अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रखने में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सिद्ध प्राणेश्वर रस है क्या, ये चीज़ क्या है। सिद्ध प्राणेश्वर रस दोस्तों एक रसायन है जो अतिसार और ज्वतिसार को खत्म करने की क्षमता रखता है आपकी बॉडी में। यानी जटिल से जटिल रोग और जो पुराने से हड्डी रोग जो होता है, जो आपकी हड्डी में जम जाता है, बैठ जाता है, उसको खत्म करने में ये सहायक रहता है। गृहिणी, रक्त विकार, वात रोग, इन सभी विकारों को खत्म करने की क्षमता रखता है सिद्ध प्राणेश्वर रस। अब दोस्तों हम जानते हैं सिद्ध प्राणेश्वर रस के कंटेंट्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसमें सबसे पहला दोस्तों रहता है शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, अभ्रक भस्म, सज्जीछार ही एक नमक होता है, सज्जीछार बोलते हैं, सुहागा, जवाखार भी दोस्तों एक नमक का टाइप है, जवाखार आपको किसी भी परचून की दुकान में मिल जाएगा, सेंधा नमक, सांभर नमक, सेंधा नमक सांभर दोनों डिफरेंट है दोस्तों, समुद्र नमक, ये भी सी सॉल्ट अलग आता है, वाइट कलर का होता है, विड़े नमक भी अलग आता है दोस्तों, पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, काला नमक, हर बहेड़ा आमला, ये तीनों चीज़ें हर एक कॉम्पिटिशन में डलती हैं, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, इंद्रायण का रूट आता है दोस्तों, जड़ आता है जो आप देख रहे हैं, जीरा और काला जीरा को सह जीरा भी बोला जाता है, जीरा और काला जीरा में डिफरेंस होता है, चित्रक, अजवाइन, हींग, वाइवरन और आखिर में डलता है सोया का बीज, ये अलग आता है दोस्तों, सोया का बीज जो आपके सभी रोगों पे काम करता है और ये सिद्ध प्राणेश्वर में डलता है। तो ये सभी सिद्ध प्राणेश्वर रस के कंटेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जिन सभी को कंबाइन करके प्रोसीजर में डाल के इनको सिद्ध प्राणेश्वर रस बनाया जाता है, जो आपके जटिल से जटिल रोग और अतिसार और ज्योतिसार में खत्म करने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको लेना कैसे, इसको कंज्यूम कैसे करेंगे। सिद्ध प्राणेश्वर रस को दोस्तों आप एक गोली नागरबेल आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, नागरबेल का पत्ता या पान, उसमें एक गोली रख के फिर आपको खाना है इसको। नागरबेल का पान का इसका कुछ अलग महत्व है जो आप सिद्ध प्राणेश्वर रस के साथ ले सकते हैं।
नागरबल के पान के साथ आपको एक गोली इसमें रख के खाना है, दिन में लेना है, 24 घंटे में एक बार दिन में लेते हैं इसको। और फिर उसके बाद अगर आपको पानी पीना है तो आप एक गिलास पानी पी सकते हैं। वैसे अगर आपको प्यास नहीं लग रही है तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए 10-15 मिनट के लिए। नागरबेल का पान जो होता है उसमें एक गोली रख के आप इसको ले सकते हैं, उसके बाद पानी पी सकते हैं। तो आज हमने बात किया दोस्तों सिद्ध प्राणेश्वर रस के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। और ये क्लासिकल मेडिसिन है जो विलुप्त होती जा रही हैं, तो मेरा कोशिश यही है कि जो कॉम्पोजिशन आपको हेल्दी रखने में मदद करेंगे मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, जो ओल्ड कॉम्पोजिशंस हैं जो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं आपकी बॉडी में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई चैनल विद फैमिली फ्रेंड्स। तब तक